आज आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी है मुझे, तो इसलिए मैं आई हूँ और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आई हूँ, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। और जो भी मेरे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नाज, आप देख रहे हो मेरा चैनल नाज इंडियन गर्ल। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। मतलब शेयर तो आप बाद में करेंगे ना, पहले आप देख लीजिए कि इस वीडियो में है क्या, ठीक है। शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, लेकिन पहले आप पूरा वॉच कीजिए, उसके बाद आप इसको शेयर कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने अब तक आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं लगाने के लिए अपने फेस पे, तो आज मैं कुछ पीने के लिए आपको बताऊंगी जिससे आपकी स्किन जो है अच्छी फील होगी, ग्लो करेगी। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, कौन कौन इसको पी सकता है, बिकॉज़ इट इज़ नॉट अ ब्यूटी ड्रिंक। ब्यूटी ड्रिंक नहीं है ये, ये एक इस तरह का ड्रिंक है जो आपके पेट को बहुत ज़्यादा यू नो हेल्दी कर देगा। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होती है कि मेरा पेट बिल्कुल भी ठीक से वर्क नहीं करता, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाता है, और हमेशा मतलब समथिंग समथिंग होता ही रहता है मुझे पेट से रिलेटेड। तो मेरा फेस का कलर एकदम से डाउन सा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ब्लैक पड़ जाएगा। और क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मुझे पता है कि ये किस वजह से होता है। तो जब मैं इस ड्रिंक को पी लेती हूँ तो ये चीज़ जो है, ये प्रॉब्लम जो है ना, ठीक हो जाती है। तो मैं थोड़े सा आपको वो बता दूंगी कि कौन कौन लोग इसको पी सकते हैं, मतलब अगर आपको इस तरह का सिम्टम्स दिख रहा है या दिक्कत हो रही है तो आप लोग पी सकते हैं। पहली बात तो ये नॉर्मल भी आप पी सकते हैं, जैसे जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर पे फैटी लीवर हो जाता है, जब भी आप कुछ खाते हैं तो आपको यू नो वॉमिट सा फील होता है, आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, कुछ भी खा लिया आपको खट्टी वाली उल्टी हो रही है या फिर खट्टी खट्टी डकार आती है, एंड आपका पेट जो है सही से साफ़ नहीं होता, और या तो फिर साफ़ होने पाया तो इतना साफ़ होता है आपको रोकना पड़ता है। मतलब उल्टी सीधी चीज़ें होती रहती हैं आप लोगों के साथ, खाने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती, ऐसा लगता है आपके यू नो पेट एकदम पत्थर सा हो गया, भारीपन सा महसूस होता है, या कभी पेट एकदम से अचानक से फूल जाता है। और मतलब पेट से रिलेटेड ज़्यादा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस ड्रिंक को ले सकते हैं, और साथ ही साथ अंदर से जैसे स्वेलिंग को भी कम करता है। जो लोग अपना जिनका पेट जो है बेफालतू में फूल जाता है, मतलब उनको ऐसा लगता है ना तो हम इतना खा रहे हैं ना इतना पी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा पेट जो है आगे को बढ़ता चला जा रहा है और अंदर बॉडी में स्वेलिंग वगैरह है, तो वो भी इसको कम करता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में हैं, सब तो मैं आपको बता नहीं सकती, आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, लेकिन जितना मैं जानती हूँ उतना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और मुझे इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है तो इसलिए और मैं शेयर कर रही हूँ। और जब भी मैंने देखा कि मतलब मेरा कलर डार्क हो रहा है तो मैं इसको रात में ले लेती हूँ, और सुबह तक मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है पेट भी ठीक हो जाता है, और जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी वापस से पहले जैसा दिखने लगता है, जैसे कि आज दिख रहा है। आज कोई मेकअप वेकअप नहीं लगाया, सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया हुआ है, और आई एम हैप्पी विद द रिज़ल्ट। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ इसको शेयर करती हूँ और आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पीती क्या हो, नहीं तो आप बोलेंगे कि बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है और बता रही नहीं। ओके जी, तो ये है, उल्टा दिख रहा होगा आपको, अर्क मक्को, ये हमदर्द का आता है, मक्को का अर्क होता है, और इसका प्राइस 90 रुपीज़ इस पर लिखा हुआ है, लेकिन कम में आपको मिलेगा, खुद से आपको सर्च करना पड़ेगा कहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, मतलब मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है आई थिंक, और कहाँ मिल सकता है, ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। हमदर्द का है, इस बार जो बाय किया है वो किसी और कंपनी का है, हमदर्द का मुझे मिला नहीं, तो वो मंगा लिया, वो भी ठीक काम कर रहा है। दूसरा एक और है, वो भी दिखाती हूँ, रुको। ये ऐसा देखें, शरबत बजूरी बाजूरी और मोटा दिल, ये भी हमदर्द का है, और इसका प्राइस गाइस 75 रुपीज़ इस पर लिखा हुआ है, और थोड़ा कम ही मिलेगा आई थिंक, अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो देख लेना आप कितने का मिल रहा है। लाइट गई अभी इसलिए ऐसे एकदम से ऐसा हो गया। तो इसको लेना कैसा है, मैं तो इसको जो ये मक्को का अर्क है, मतलब एक चम्मच या जो इसका जो ढक्कन होता है, इसका एक ढक्कन और एक ही इसका शरबत बजूरी का, दोनों को लेके थोड़े से पानी में, सादे पानी में मिक्स करके इसको पी जाती हूँ। मोस्टली मैं रात में पीती हूँ, जैसे अगर आपको दिन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है आपको, तो आप दिन में भी ले सकते हैं इसको। अगर आपका पेट अच्छा रहता है ना, पेट सही से वर्क कर रहा है, तो आपका स्किन भी ग्लो करता है, आपका कलर भी अच्छा दिखता है, साथ ही साथ जो पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं हमें पेट की खराबी की वजह से, वो भी ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करें, और बहुत अच्छी चीज़ है, सिर्फ स्किन वालों के लिए नहीं, वैसे भी आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज ये जो बाजूरी मोटा दिल है ना, इस पे लिखा है प्रोटेक्ट एंड क्लिनजेस लीवर एंड किडनी, तो बहुत अच्छा है जब आप इसको पियेंगे। मतलब मैंने तो ये चीज़ नोटिस नहीं की थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने और मेरी मम्मा ने बोला ये कि जब भी वो इसको पी रही हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाना पड़ रहा है, तो जो लोग भी कॉलेज ऑफिस वगैरह जाते हैं ना, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मतलब रात में, मतलब घर पे आने के बाद इसको पिए, ऐसा नहीं कि सुबह मॉर्निंग में पी के जा रहे हैं और फिर टॉयलेट में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि पेट वेट साफ़ करता है ये, और साथ ही साथ आपको टॉयलेट भी शायद कई दफ़ा जाना पड़े, तो आप इसको दोपहर के टाइम पी लेना या फिर रात के टाइम पी लेना, और जिससे कि सुबह तक आपका सब साफ साफ हो जाए, और नहीं तो फिर आप बोलोगे कि क्या बता दिया ये, मतलब पेट हमारा ख़राब हो गया। पेट ख़राब नहीं होता, लेकिन अंदर से क्लींस करता है ना, तो आपको क्लींस करने के लिए भाई कुछ तो बाहर निकलेगा, तो
समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बस मुझे और नहीं बोलना। और बाकी जो है आप सब ठीक चल रहे हैं, जो भी मैंने बताया कुछ बताते ही नहीं हो यार आप लोग तो, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर की है, आप उनको यूज़ करें और मुझे उनका रिज़ल्ट ज़रूर बताएं। और बस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, अभी के लिए बहुत लंबा वीडियो हो गया और आज मैं बड़ी खुश हो रही हूँ बिकॉज़ मुझे अपनी स्किन आज अच्छी लग रही है, नहाने के बाद वैसे भी अच्छा फील होता है थोड़ी देर तक, क्योंकि जब तक मैं किचन में नहीं जा रही ना तब तक ही मैं खुश हूँ, अदरवाइज़ जैसे ही मैं किचन में जाऊँगी और फिर मैं पसीना पसीना हो जाऊँगी तो फिर मेरी सारी खुशी ना उड़ने वाली है। तो मैंने सोचा कि किचन में जाने से पहले ना अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ ताकि मुझे अच्छा फील हो सके, नहीं तो फिर मेरे मुँह पर 12 बज जाएंगे पसीना आके और फिर मैं, मेरा दिल भी नहीं करता थकने के बाद ना, मैं मेरा ऐसा मन करता है कि बस लेटी रहूँ पड़ी रहूँ फिर मैं कुछ ना करूँ। अभी मैं थोड़ा सा मेरे अंदर एनर्जी सी आई तो मैंने सोचा यही सही टाइम है वीडियो शूट करने का और मैंने अपना वीडियो शूट कर लिया। अब मैं इसको शाम तक अपलोड करूँगी धीरे 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 करके। तो चलिए बस बाय, बहुत बातें कर ली मैंने, बाय, लव यू ऑल, सही से नहीं हुआ दोबारा से।